हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन के चैनल पर। तो आज हम लेकर के आए हैं बेसिक कोर्स के चैप्टर 2 को। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 2 के अंदर देखते हैं कि किसी भी डेस्कटॉप आइकन को अरेंज कैसे करते हैं और किसी भी डेस्कटॉप आइकन को हाइड कैसे करते हैं, यानी कि गायब कैसे करते हैं। तो आज हम लोग जादू सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जादू, सही सुने आप। तो किसी और को अचंभित करना हो, चौंकाना हो कि क्या कर दिया आप, तो चलिए आज सीखते हैं इस ट्रिक को। अगर आप मेरा बेसिक कोर्स का चैप्टर 1 नहीं देखे हुए हैं तो यहाँ पर आपको आई बटन का लिंक मिल रहा है, इस पर जाकर के बेसिक चैप्टर का 1 जरूर देख लीजिएगा, ताकि सीरीज वाइज वीडियो देखने से आपको बेनिफिट होता रहे। और बीच बीच से अगर वीडियो देखते हैं तो बहुत सारी दिक्कत भी हो सकती है, इसीलिए सीरीज वाइज चैप्टर वाइज वीडियो को जरूर देखा कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दिए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो देखने में कैसा लग रहा है उसको कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा। तो देर न करते हुए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। हेलो दोस्तों, तो आ गए हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो इस डेस्कटॉप पर आप इस साइड कुछ देख रहे होंगे छोटका छोटका सब, इसको हम लोग डेस्कटॉप आइकन के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस आइकन के अंदर फाइल भी होते हैं, फोल्डर भी होते हैं, बहुत चीज़ होते हैं। तो इस सभी को हम लोग फाइल फोल्डर नहीं बोलते हैं, इस सभी को हम लोग आइकन के नाम से जानते हैं, डेस्कटॉप आइकन के नाम से जानते हैं। और नीचे आपको दिख रहा होगा ये पट्टी है ना, इस पट्टी का कलर कुछ भी हो सकता है, चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे हम लोग किसी और वीडियो में जानेंगे, लेकिन इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं टास्क बार। जी हाँ दोस्तों, टास्क बार बोलते हैं। और टास्क बार में जो पहला बटन है इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट बटन, इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि इस डेस्कटॉप आइकन का साइज छोटा या बड़ा कैसे करते हैं, डेस्कटॉप आइकन को अरेंज कैसे करते हैं, और इसको हाइड कैसे करते हैं, अनहाइड कैसे करते हैं, वो सब जानते हैं। तो डेस्कटॉप आइकन का साइज बड़ा या छोटा करने के लिए आपको ब्लैंक एरिया, खाली जगह पर कहीं भी राइट क्लिक करना है। अब राइट क्लिक करते हैं तो व्यू के अंदर यहाँ पर देखिए लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, बहुत सारे चीज दिए हुए हैं। अगर आप लार्ज आइकन पर क्लिक करते हैं, ये तो लार्ज आइकन पर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप का साइज बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। इससे छोटा करना हो तो फिर से राइट क्लिक करेंगे, फिर से व्यू के अंदर आएंगे और यहाँ पर मीडियम आइकन, यहां पर मीडियम आइकन पर क्लिक करते ही, मीडियम आइकन पर क्लिक करते ही आपका साइज जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। और इससे भी अगर छोटा करना हो तो फिर से राइट क्लिक करेंगे, व्यू में आएंगे और कर देंगे स्मॉल आइकन, सबसे छोटा हो जाएगा पूरा पूरा स्मॉल आइकन। लेकिन न स्मॉल बढ़िया लगता है, न आपको लार्ज अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो मीडियम आइकन बेस्ट रहता है। हम लोग राइट क्लिक करते हैं और व्यू में आते हैं और यहाँ पर इसको मीडियम आइकन करते हैं तो इतना साइज बेस्ट रहता है, तो मीडियम आइकन आप लोग करके रखिएगा। अब हम लोग आगे जान लेते हैं कि इस आइकन को हम लोग मूव कैसे करते हैं, यहाँ से हटा करके यहाँ पर लाना हो, यहाँ से हटा करके यहाँ पर लाना हो, यहाँ से वहाँ करना हो, मतलब कि डेस्कटॉप पर अरेंज कैसे करते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। तो इस फोटो को मुझे यहाँ से क्लिक करते हुए माउस से क्लिक करते हुए यहाँ पर ला के रखना है। जो आ तो रहा है लेकिन वहाँ पर रुक नहीं पा रहा है, क्यों क्यों उसको डर लग रहा है कि नहीं है? डर किस चीज़ की है? चले दिखा रहे हैं कि डर इस बात की है कि वो वहाँ पर टिक लगा हुआ है, वो ऑर्डर दे दिया है कि यहाँ से वहाँ हिलने का नहीं है, तो उसका ऑर्डर फॉलो कैसे नहीं करेगा? तो अगर आपको किसी भी आइकन को मूव करना हो तो राइट क्लिक करेंगे, व्यू में आएंगे और ऑटो अरेंज आइकन में टिक लगा हुआ है, इस टिक को हटा दीजिए। अगर टिक लगा हुआ है तो किसी भी आइकन को आप मूव नहीं कर सकते हैं, और टिक हटा हुआ है तो जहां मर्जी वहां रखिए, उसके लिए कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं। तो टिक को हटा देते हैं, टिक हटा दिए। अब इस आइकन को यहाँ से यहाँ रख दिए, इसको यहाँ से यहाँ रख दिए, इस पूरे को क्लिक करते हुए सेलेक्ट कर लिए, इसको क्लिक करते हुए यहाँ पर लाकर छोड़ दिए, मतलब जहाँ मर्जी वहाँ रख सकते हैं। एक चीज़ और देखिएगा, हम चाहते हैं कि इस पीडीएफ वाले आइकन को, इस पीडीएफ वाले फाइल को यहाँ से इसके सामने नहीं, इसके नीचे रखें। जी हाँ दोस्तों, इस पीडीएफ वाले फाइल को इसके सामने नहीं, इसके सामने नहीं, सामने तो रह जाएगा, सामने तो रह जाएगा वो, लेकिन अगर आप उस लाइन से थोड़ा नीचे रखने का प्रयास करिएगा तो नीचे नहीं रुक पा रहा। गौर कीजिए, देखिए हम चाहते हैं कि ऊपर ये व्हाट इज कंप्यूटर और नेटवर्क वाले दोनों फाइल के बीच में वो रहे, लेकिन हम चाहते हैं बीच में रहे, वो रहने पा रहा, मतलब जहाँ हमको रखना है वहाँ रहने पा रहा है, वो अपने मन से लाइन के सीधा, एकदम लाइन के सिद्ध में हो जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि जहां मर्जी वहां रखें तो फिर से आपको राइट क्लिक करना है और वही व्यू के अंदर आकर के और ऑटो अरेंज आइकन के नीचे आपको दिख रहा है अलाइन आइकन टू ग्रिड, इसमें टिक लगा हुआ है, टिक लगा हुआ है तो वो एक लाइन में रहेगा,
कहीं भी उसको मूव करिए, मूव तो होगा, इसमें टिक हटा दिए तो मूव तो होगा, लेकिन जब आप इसमें टिक लगा रखे हुए हैं तो मूव होते समय वो एक लाइन में रहेगा, ना उस लाइन से ऊपर ना उस लाइन से नीचे आएगा। तो जाते चाहते हैं कि जहां मर्जी वहां रखें, तो इस टिक को भी हटा दीजिए टिक हटाने के बाद। अब देखिए हल्का ऊपर रखना है, हल्का ऊपर रखिए, इसके बीच में रखना है बीच में रखिए, ठंडी का मौसम है कहीं भी बीच में रख दीजिए, है ना, किसी के बीच में, चाहे ऊपर नीचे कहीं भी थोड़ा जगह मिल जाए वहां पर रख दीजिए, है कि नहीं है। तो ये था आपका राइट क्लिक करके व्यू में ऑटो अरेंज आइकन और अलाइन आइकन टू ग्रिड। अगर आप चाहते हैं कि जैसे पहले था वैसे ही हो जाए, अभी अगर आप देखते हैं तो कुछ आइकन यहाँ पर है, कुछ आइकन यहाँ पर है, मतलब कि फिर से सभी आइकन को अगर आप क्लिक करते हुए यहाँ रखेंगे वहाँ रखेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। चाहते हैं कि अगर किसी भी आइकन को इधर उधर कर दिए हैं और फिर जैसे पहले था सभी वैसा ही हो जाए, तो उसके लिए फिर से आपको राइट क्लिक करना है और व्यू के अंदर आना है और यहाँ पर ऑटो अरेंज, ऑटो अरेंज आइकन में फिर से दोबारा टिक लगा दीजिए। टिक लगाते ही आपके सभी आइकन जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। जैसे हम लोग मोबाइल में करते हैं कि कोई मेरा एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल ना कर दे, यहाँ से वहाँ मूव ना कर दे, हम लोग मोबाइल में क्या करते हैं लॉक होम स्क्रीन लेआउट को टिक लगा देते हैं, है ना। तो कोई मेरा आइकन को ना मूव कर सकता है ना उसको अनइंस्टॉल कर सकता है बिना टिक हटाए हुए। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद, यहाँ पर व्यू में आने के बाद, यहाँ से ऑटो अरेंज में अगर टिक लगा देंगे तो कोई भी आपके आइकन को मूव नहीं कर सकता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि राइट क्लिक करके व्यू के अंदर अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो है शो डेस्कटॉप आइकन। जी हाँ, यहाँ पर शो डेस्कटॉप आइकन दिया हुआ है। इससे टिक लगाने से और टिक हटाने से क्या होता है, अगर आप शो डेस्कटॉप आइकन से टिक को हटाते हैं तो आपको जो बोले थे जादू, वो जादू होने वाला है। जितने भी आइकन आपको डेस्कटॉप पर दिख रहे हैं सब गायब हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, व्यू में आते हैं और यहाँ पर शो डेस्कटॉप आइकन से टिक को हटा देते हैं, देखिए सब गायब। जिनको नहीं पता होगा वो अचंभित रह जाएंगे, चौंक जाएंगे, क्या कर दिया, पूरा आइकन डिलीट कर दिए। उसे कहिए घबराइए मत, जादू है, फिर ठीक कर देंगे। तो फिर ठीक करने के लिए फिर राइट क्लिक करेंगे, व्यू में आएंगे, फिर दोबारा शो डेस्कटॉप आइकन में टिक लगा देंगे तो देखेगा फिर दोबारा आ गया। तो ये हैड और अनहैड। तो शो डेस्कटॉप आइकन में टिक लगाएंगे तो वो आपको सामने में दिखा देगा और टिक हटाएंगे तो वो सामने से गायब हो जाएगा। बस नजरों का खेला है दोस्तों। तो हम लोग राइट क्लिक करके व्यू में आकर के और लार्ज मीडियम स्मॉल ये सभी सेटिंग देख लिए हैं। चलिए दोस्तों तो अब हम देख लेते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश तो सब करते होंगे, सिस्टम ऑन किए और रिफ्रेश कर लिए, है कि नहीं है। और सिस्टम ऑन करना आप नहीं देखे हुए हैं तो आई बटन पर जाकर के या फिर डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर जाकर के आप सिस्टम को ऑन ऑफ करने का तरीका जरूर सीख लीजिएगा। जब हम लोग सिस्टम को ऑन करते हैं तो पहली बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करने के लिए आते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर रिफ्रेश करने के लिए आते हैं, रिफ्रेश पर क्लिक करते हैं, है ना। रिफ्रेश पे क्लिक करते ही आपके आइकन थोड़ा ब्लिंक करता है ना। राइट क्लिक करिए, रिफ्रेश पे क्लिक करिए, गौर कीजिए इस आइकन पर, गौर कीजिए। राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो आपके आइकन पूरा रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश से होता क्या है, बहुत सारे जन समझते हैं रिफ्रेश करने से सिस्टम फास्ट होता है, ऐसा नहीं है। रिफ्रेश करने से सिस्टम फास्ट होता तो रैम कम लगा देते, है ना, प्रोसेसर किसी और का कोई और लगा लेते सस्ता वाला, और रिफ्रेश से पूरा दिन करते रहते सिस्टम फास्ट होता रहता, ऐसा नहीं है। रिफ्रेश हम लोग इस कारण से करते हैं कि जब सिस्टम ऑन होता है तो उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे ऑन होते रहते हैं, तो वो एप्लीकेशन थोड़ा फास्टली ऑन हो जाए, इसलिए हम लोग दो बार तीन बार चार बार रिफ्रेश कर देते हैं। नहीं तो बहुत सारे जन जो है ना 10 बार 15 बार रिफ्रेश करते रहते हैं, उसके दिमाग में रहता है कि सिस्टम फास्ट हो जाएगा, इसलिए रिफ्रेश करने में लगे रहते हैं, टाइम बर्बाद करते रहते हैं। तो रिफ्रेश करने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, जो चीज़ सीखना है उसमें टाइम बर्बाद कीजिए ना, जो चीज़ काम आएगा उसमें टाइम बर्बाद कीजिए। तो रिफ्रेश बस राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आकर के आपको क्या करना है, रिफ्रेश कर देना है, बस सिंपल सी बात। लेकिन रिफ्रेश करने का भी बहुत तरीका है दोस्तों। तो ये तो मौत से हो गया राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना। अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं, शॉर्टकट इस कीबोर्ड की मदद से, जी हाँ दोस्तों, कीबोर्ड की मदद से अगर यूज करना हो तो कीबोर्ड में आपको ऊपर दिख रहा है फंक्शन की। फंक्शन की कितने होते हैं, F1 से लेकर के F12 तक, मतलब कि 12 फंक्शन की होते हैं। फंक्शन की में जो आपको F5 दिख रहा है, F5 प्रेस करिएगा, F5 दबा रहे हैं कीबोर्ड से, F5 करिएगा तो क्या होगा, रिफ्रेश होता रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, जब आप सिस्टम को ऑन करिएगा तभी जो F5 करने लगिएगा तो वो रिफ्रेश काम नहीं करेगा। तो सिस्टम को ऑन
करने के बाद नियम यही है कि मौत से एक बार रिफ्रेश जरूर कर लीजिए या फिर कोई और काम जरूर करिए, तो तब जाकर के आपका कीबोर्ड के अंदर F5 काम करेगा, नहीं तो F5 काम डायरेक्टली नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी डायरेक्टली F5 काम नहीं करता है, तो लैपटॉप में क्या करना है आपको, माउस से तो करना ही है, माउस से तो हर जगह सेम काम होता है। लेकिन अगर लैपटॉप आपके पास है तो लैपटॉप में दो तरह से F5 होता है, किसी लैपटॉप के अंदर विंडोज की, जी दोस्तों, विंडोज की के साथ F5 करना होता है, किसी लैपटॉप में फंक्शन की के साथ F5 करना पड़ता है। तो आपको दोनों ट्राई करना है कि आपके लैपटॉप में किस बटन से रिफ्रेश होता है, विंडोज के साथ F5 दबाने से या फिर फंक्शन की के साथ F5 दबाने से। तो जिससे काम करता है रिफ्रेश वही बटन यूज करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप शॉर्टकट भी जान गए F5 और माउस से भी जान गए, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको रिफ्रेश करते रहेंगे, लेकिन रिफ्रेश करने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, दो बार तीन बार चार बार किए वही काफी है। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। रुकिए, अरे चाय नाश्ता का भी इंतजाम है, वो तो करते जाइए। क्या दोस्तों अपना फायदा हो गया चल दिए, मेरा फायदा के बारे में कुछ ना सोचे। अरे लाइक तो ठोकिए, सब्सक्राइब भी ठोक दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दिए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए, अगर शेयर भी कर दिए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग इंतजार करते हैं नेक्स्ट वीडियो की, चैप्टर 3 की।